लोरमी जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत मोहतरा तेली में सरपंच सचिव और रोजगार सहायक पर जमकर भ्रष्टाचार करने का आरोप ग्रामीणों ने लगाया। आपको बता दें कि ग्रामीणों ने पंचायत प्रतिनिधियों पर कई कार्यों में मनमानी करते हुए फर्जी मस्टर रोल जारी करने का आरोप भी लगाया। वहीं लिखित शिकायत में मनरेगा योजना के तहत किए गए कार्यों में पलायन, व्यक्ति विकलांग और जो कार्य में गए ही नहीं है, ऐसे दर्जन भर लोगों के नाम फर्जी तरीके से मस्टर रोल में भरे गए, जबकि जिन मजदूरों ने काम किया है उन्हें मजदूरी भुगतान नहीं किया जा रहा है। इस पूरे मामले में ग्रामीणों ने अधिकारियों से शिकायत करते हुए जल्द ही जांच के बाद दोषियों पर उचित कार्रवाई करने की मांग की है। मनरेगा में पूरा हाजिरी लोकवा पीढ़ी थे, नाबालिग मन के है और पेंशनधारी मन के है, और सरपंच खुद अपन यानी कि हाजिरी अपन पत्नी हाजिरी अपन पूरा परिवार के, और जो रोजगार सहायक है वो भी अपन परिवार के पूरा हाजिरी भरवा है, वह पूरा भ्रष्ट है। वह मनरेगा अंतर्गत कार्य हो उसमें फर्जी तरीके से अपने चहेतों को अपने परिवार वालों को लाभ पहुँचाया गया है। मामला मुंगेली का है जहां फर्जी मस्टर स्टोक के जरिए सरकारी राशि निकाली गई, दर्जनों मजदूरों का भुगतान नहीं हुआ है, जिसके चलते मजदूर काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं और जिम्मेदारों से ग्रामीणों ने ठोस कार्रवाई करने की मांग की है। तो मुंगेली से ये पूरा मामला सामने आया है। सरपंच सचिव और रोजगार सहायक पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं और ग्राम पंचायत में जमकर मनमानी हो रही है, जिसको लेकर मजदूर काफी ज्यादा परेशान है और जिम्मेदारों से कह रहे हैं कि इसको लेकर सख्त से सख्त कार्रवाई हो की जाए, जो भी दोषी है, जो भी भ्रष्टाचारी है उस पर सख्त कार्रवाई हो और साथ ही जो उनका भुगतान रुका हुआ है उनको भुगतान किया जाए। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये वही लोग हैं जो कार्रवाई की मांग करने पहुंचे थे। एक्सप्रेस स्टेशन में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।